स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ कार सिंह और भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं नए इवेंट के बारे में। तो भाई सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो जो है थोड़ी सी लेट में आई है और ऊपर से आजकल हम बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है, बस कुछ दिन की बात है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए उसके बाद तुम्हारा भाई रेगुलर एज यूज़ुअल, पर तब तक थोड़ा सा हमें भी और आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो भाई बात करते हैं नए पोकीमॉन्स की, जो एक्चुअली नया पोकीमॉन कुछ नए पोकीमॉन्स भी आए हैं उसके साथ साथ इवेंट के जो गायब हुए पोकीमॉन थे ना तो वो भी दे दिए गए। तो मेरे को एक तरीके से लगा ना तो शायद गेम वालों ने हमारे साथ अप्रैल फूल किया है, इवेंट आया था पर पोकीमॉन्स नहीं आते, फिर जाके पोकीमॉन्स आया जो इतने बेकार आए तो फिर भी चल जाएंगे, मतलब वही है बस, हैं बस ठीक है कोई ना। हम यहाँ पर बात करते हैं नए पोकीमॉन्स की जहाँ पर हमें दिखाया, ठीक है मैं चाइनीज वर्ड से मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि मॉन्स वगैरह में अगर आप देखने जाओ ना तो आपको उनका नाम टाइप करके ढूंढना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम टेकिंग होता है। सिंपल है, चाइनीज वर्जन में आओ, ऊपर स्क्रॉल करो, आपको मिल जाएंगे कौन से पोकीमॉन्स हैं। यहाँ पर अल्टीमेट ग्राउडॉन और अल्टीमेट कायोग्रे का दिया गया कुछ डिफरेंट इवोल्यूशन फॉर्म्स, जैसे कि ये फ्लाइंग एंड फायर है तो ये अच्छा था, मतलब एक अच्छी तरीके से बताऊँ तो ये एक बहुत ही अच्छा पोकीमॉन होगा। सो सॉरी गाइस मैं फ्लाइंग बोल रहा हूँ, ये वाटर एंड फायर है। एक तरह से मैं अगर मेरे पास बहुत बड़ा एक मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन चल रहा है, अगर ग्राउडॉन का जो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा डिमांडेड एबिलिटी होता है जो होता है डेजोलेट लैंड जिसमें वाटर टाइप मूव काम नहीं करेगा, अगर वो दिया जाएगा तो क्या इसका खुद का वाटर टाइप मूव काम करेगा? मेरे को नहीं पता क्या होगा, पर शायद इसका डेजोलेट लैंड ना हो, अगर हो भी तो ये शायद उसे इस्तेमाल कर सके वाटर टाइप मूव्स, पर जिस तरीके से लिखा गया कि कोई भी पोकेमॉन वाटर टाइप मूव यूज़ नहीं कर पाएगा तो शायद ग्राउडॉन भी ना कर पाए या फिर इसके पास ना ही होगा। पर अगर इतना अजीब भाई मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा, पर शायद डेजोलेट लैंड इसके पास ना हो, अगर ग्राउडॉन के पास डेजोलेट लैंड है नहीं तो ग्राउडॉन ग्राउडॉन कैसे फील होगा, मतलब कुछ तो फ़ायदा ही नहीं होगा ना उसका, कोई ना। फिर भी ये दिया गया है नया पोकेमॉन वाटर एंड फाइटिंग, ये स्लैकिंग दिया गया है। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, स्लैकिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोकेमॉन हुआ करता था, अब नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो काइंड ऑफ ये स्वैम्पर्ड जैसा हुआ करता था फेरी टाइप सूट यूजर्स के लिए ना, ये एक काम चलाओ स्वैम्पर्ड था ऑब्वियसली, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकता है, ये काउंटर भी लगा सकता है, ये अपनी हेल्थ रिकवर एचपी रिकवर कर सकता है या फिर रेस्ट भी लगा सकता है। रही बात अटैक मूव्स की तो इसका प्लेयर रफ भी था, चलो कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा, एटलीस्ट फिर ट्रैप में आएगा तो कुछ ना कुछ तो मार ही पाएगा, बेकार पूरी तरह से साबित नहीं होगा, पर अब हम लोग ये कह सकते हैं ये पूरा बेकार हो चुका है। मेरे को कोई ज़्यादा अच्छा मूव देख नहीं रहा है। अच्छा हमें मेरे को पता है कि एनकोर एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मूव होता है, कई लोग उसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पर हर बार काम नहीं आएगा। एनकोर तभी अच्छा रहता है ना जब आपने किसी को ट्रैप कर लिया होता है, तब एनकोर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इस तरीके से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और असलियत बताऊँ तो यहाँ पर जो स्लैकिंग है वो डबल एस आर कैटेगरी में आता है, ये देख के मैं खुश हूँ क्योंकि भाई वाटर टाइप सूट को सारे पोकेमॉन दिए जा रहे हैं तो कुछ कीमती पोकेमॉन भी देने चाहिए जो ये है, और मेरे को नहीं पता कौन बेवकूफ़ होगा जो इस पोकेमॉन को टीम में डालेगा, इससे अच्छा पालकिया बना लो, उनको सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा मजबूत भी होगा। गैरिडोस और इसकी भी वही सेम प्रॉब्लम है, सिंपल गैरिडोस पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा महंगे दिए जा रहे हैं पर फिर भी कोई नहीं लेगा। ज़ामाज़ेटा ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पैरी एंड फाइटिंग टाइप कॉम्बिनेशन बहुत सही है ना, हाँ बिल्कुल बहुत सही है। डिफेंस किंग मतलब इसका डिफेंस स्पेशल डिफेंस एचपी एक बराबर एक लाइन में मेरे को दिख रहा है जो बहुत ही अच्छा है, पर ये चाइनीज़ वर्जन में हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं, बस मैं आंखों को तसल्ली दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ ये, नहीं तो ये हमारे यहाँ कभी नहीं आएगा मतलब जब तक अपडेट नहीं आता तब तक नहीं आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं इसके पास कुछ मूव्स में दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ अच्छे खासे मूव्स दिख रहे हैं मेरे को पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, प्लेयर ऑफ ज़रूर है इसके पास, मैंने देखा हुआ था एक बार। अच्छा ज़कायन और ज़ामाज़ेटा में मेरे को ज़कायन ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके पास एक एबिलिटी है गाइस जो हर टाइप मतलब मूव को सुपर इफेक्टिव ओपोनेंट पर साबित करता है, मतलब जब भी कोई भी मूव यूज़ करेगा ओपोनेंट पर हिट हुआ तो वो सुपर इफेक्टिव होता है, उस ख्याल से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगा, मतलब आपको बस स्पीड की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद स्वॉर्ड डांस अगर उसके पास है तो, और उसके बाद वो संभाल लेगा और मतलब उसको रोकने वाला कोई शायद ही मिलेगा, मतलब सोच के देखो एक गेंगार के ऊपर भी फाइव टाइप मूव सुपर इफेक्टिव तो भाई खतरनाक ही होगा वो पोकेमॉन। और शायद वैसे ही कुछ मिलता जुलता मूव इसके पास भी होगा, शायद इसके पास ऐसा कोई एबिलिटी होगा जिसके ऊपर मतलब इस पर कोई भी मूव अगर डैमेज देता है तो नॉट वेरी इफेक्टिव आता है, तो शायद मैंने सुना वो वाला है। और ये है वो पोकेमॉन जो मैं दिखा रहा हूँ, इतना क्यूट इतना परफेक्ट इतना इंटेंस लुक वाला वीवाइल, एक वर्ड ठीक है डार्क एंड फेरी टाइप वाला वीवाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका लुक मेरे को खासकर ज़्यादा अच्छा लगा, और ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को लुक्स ज़्यादा अच्छे लगे इस पोकेमॉन के ज़्यादा देन स्टेटस, पर फिर भी स्टेटस ठीक है इतना भी नहीं है, पर अल्टीमेट का थोड़ा अल्टीमेट हिसाब से होना चाहिए पर फिर भी चल जाएगा, इसके लुक्स के हिसाब से टाइप के एडवांटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत सही है। डार्क एंड फेरी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, चाहे फेरी एंड ड्रैगन देख लो या फिर फायर वाटर देख लो या फिर
आइस एंड स्टील देख लो, ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो लोग चाहते हैं देखना, और मैं भी उन्हीं में से हूँ जो चाहते हैं। वाटर एंड फेरी देख लो, ये हमें दिया गया वोल्केनो, इसका नाम शायद वोल्केनो ही था ना, हाँ याद नहीं आ रहा। और ये नेस्टी प्लॉट यूज़ कर सकता है, इसके पास R2 मूव है जो इतना ज़्यादा तगड़ा डैमेज दे सकता है, और क्या चाहिए, और डिफेंस भी बहुत सही होता है इसका, मैंने नॉर्मल देखा हुआ है बहुत सारे प्लेयर्स के पास होता है, बहुत सारे प्लेयर के पास नहीं पर कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इस पोकेमॉन को टीम में रखते हैं, और ये ठीक है डिफेंस सही होता है इसका, पर वो टाइप के हिसाब से उसको उन लोगों का डिफेंस था पहले जो फायर एंड वाटर था ना, तो वो स्टील और बाकी सारे मूव्स के अगेंस्ट ठीक ठाक होता है, पर ये जो फेरी हो चुका है ना वो ज़्यादा खास नहीं है। आर्टिकुनो एज यूजुअल, आर्टिकुनो के जितने भी ये लोग इवोल्यूशन फॉर्म्स या फिर जितने भी डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं ना सब बहुत ही घटिया होते हैं, सबके बहुत गंदे वीकनेसेस होते हैं, इसके भी सेम है, स्टील टाइप के बहुत मतलब अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, और इससे पहले अगर देखो तो रॉक एंड स्टील वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उससे पहले अगर देखो तो फ्लाइंग एंड आइस वो तो रॉक के अगेंस्ट और भी ज़्यादा कमज़ोर था, मतलब ये जब भी कोई भी नया कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं ना वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पर वे बाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, ऑनेस्टली बताना कि मेरे को वे वाइल देख के अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, डार्क सूट में ना ये बहुत तेज़ पोकेमॉन है, मास्टर लीग में इसका आपका करिश्मा देखना बनता है, ये बहुत तेज़ होता है, ये डार्क राय को ओवर स्पीड कर जाता है, ये जंपलप को ओवर स्पीड करता है, ये में से कई पोकेमॉन है जो इसके गेंद शायद ही टिक पाए अगर एक बार आपने स्वॉर्ड डांस कर लिया, इसका जी मूव भी स्ट्रॉन्ग जी मूव होता है, मतलब एवं जी मूव नहीं है बस, मतलब जैसा लुकारियो होता है ना इसका भी वैसा ही होता है। तो इवेंट की बात करते हैं पोकेमॉन्स की, तो सैबले पहले दिया गया, कभी नहीं लेना यहाँ से कभी भी नहीं, और एप्सोल ये ले सकते हो, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा ले सकते हो, 38 आई वैल्यू तक जा सकता है, एस सर्वर के प्लेयर्स मैं आपको कहूँगा ले सकते हो, कोई लोग बोलेंगे प्लेयर ऑफ तो रहा नहीं तो लेकर क्या फायदा, फिर भी ले सकते हो, आपके पास और भी बहुत सारे मूव्स हैं फाउल प्लेयर जैसे मूव्स हैं, और 38 आई वैल्यू वाले पोकेमॉन इतने सस्ते में आपको शायद ही कहीं मिलेगा। उसके बाद माइलोटिक नहीं लेना है, इसके ऊपर के किसी भी पोकेमॉन को नहीं लेना है अदर देन एप्सोल को, ये वोल्कन जोरार्क आप लोग ले सकते हो, ऑब्वियसली फायर सूट यूजर कोई हो स्पेशल अटैक में आता है तो ले लेना, अगर डार्क सूट यूजर हो तो मत लेना, आपके लिए सिंपल जोरार्क ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आर्टिकुनो कभी भी नहीं है, तो मैंने पहले ही बता दिया किसी काम का नहीं है, कोई भी अगर सूट यूजर सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं से ले लूँगा थोड़ा यूनोवेटिव बनूंगा, तो कुछ नहीं है बस आप फूल बन जाओगे, और कुछ किसी काम का नहीं है ये पोकेमॉन, बस लुक्स वाइज आपको लग रहा होगा नहीं थोड़ा यूनिक दिख रहा है पर कोई काम का नहीं है। पालकिया देखने में बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि बहुत बार हो चुका है ना पालकिया रिपीट हो रहा है, काफ़ी बार हो चुका है पालकिया रिपीट, अब बहुत सारे प्लेयर्स का R2 भी बन चुके हैं, पर पालकिया एक डोमिनेंट पोकेमॉन होता है, वाई हो या एक्स हो या फिर जेड हो, जेड इतना खास नहीं होता पर एक्स वाई बहुत होते हैं। बारह सिंगा मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, इसका नाम शायद जेनरस है या फिर ऐसे कुछ, पर मेरे को उसे बारह सिंगा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये नाम याद रह जाता है, जो नाम याद रहे उसी से रखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये यहाँ पर रॉक टाइप वाला है, यहाँ पर जो इवेंट में दिखाया गया, और अगर रॉक टाइप वाला कभी भी आता है फिजिकल अटैक टाइप वाला तो मैं कैसे भी बनाऊंगा, फ्लावर वाइल एबिलिटी विद बारह सिंगा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। कई लोग पूछते हैं क्या ये R2 एबिलिटी है फ्लावर वाइल, तो मैं कहूँगा नहीं है, मेगा में आ जाता है शायद, तो आप लोग मेगा बना के देखना जरूर, आपको फ्लावर वाइल वहाँ पर दिख जाएगा क्योंकि R2 एबिलिटी 4 कॉट है मेरे हिसाब से, हाँ तो फ्लावर वाइल आपको शायद मेगा में ही दिख जाएगा। और हाँ अरोमाथेरेपी है इसके पास, और क्या जाए आपकी पूरी टीम का सस्ता डॉक्टर रहेगा, ये सस्ता डॉक्टर नहीं महंगा डॉक्टर रहेगा आपके लिए, सोच के देखो सारे पोकेमॉन स्टेटस वाइज कंडीशन वाइज मरे पड़े हैं, आपके पास कोई नहीं, एकदम से आप जनरस लेके आते हो अरोमाथेरेपी लगा तो सब रेडी, सब एवर रेडी जैसा पूरा, मतलब हर कोई कहेगा मेरा स्टेटस कंडीशन हील हो चुका है, आपको बैरिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या रढ़ाओगे। तो बारह सिंह उस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी इसके नीचे एक भी पोकेमॉन देखने लायक नहीं है, बस मेरे को ये वाला देखने को नहीं मिला हमारे चाइनीज वर्ष में तो है ये, पर मॉनसून के लिए अभी सन एंड मून में नहीं है हार्ड सूट के लिए बारह सिंह, जिस दिन आता है उस दिन मैं कलेक्ट करना शुरू कर दूँगा इस पोकेमॉन को टीम में डालना, क्योंकि ये डार्क राय के गेंद सबसे बड़ा सेवियर होगा हमारे लिए, एक रॉक टाइप R2 मूव होगा, एक फेरी टाइप R2 मूव होगा, और क्या चाहिए मेरे को, बस इतना ही काफ़ी होना चाहिए मेरे लिए, और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप बात करो बारह सिंगास की तो मेरे को डार्क वाला बहुत पसंद है, वो सिंपल में ही, मतलब ना मेगा ना R2, उसके बाद दो दो R2 मूव है, और अरे स्लीप टॉक से आप बहुत ज़्यादा मतलब उसके R2 मूव का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके पास मेगा में भी शायद फ्लावर वाइल आ जाता है, हालांकि मेरे को नहीं पता कि फ्लावर वाइल विदाउट ग्रास टाइप के जो एडवांटेज, मतलब ग्रास टाइप अगर पोकेमॉन का नहीं होता है तो मैंने सुना हुआ है कि ये फ्लावर वाइल काम सही से नहीं करता, तो पता नहीं उन लोग के केस में काम करता है या नहीं, पर ट्राई करना ज़रूर है, मतलब होगा तो आप बताना कि हाँ भाई फ्लावर वाइल काम करता है, फ़र्क नहीं पड़ता है ग्रास टाइप हो या कुछ और, तो अगर डार्क वाले में फ्लावर वाइल काम करता है तो मैं ज़रूर रॉक वाला कभी ना कभी पक्का बनाऊंगा। ऊपर के लेने के बाद नीचे से अगर आके देखते हो अदर देन वो जैगर रॉक वाला, अगर स्पेशल अटैक यूजर हो पॉइजन सूट में या फिर फायर सूट में तभी आप लेना, नहीं तो नीचे और कोई भी लेने लायक पोकेमॉन नहीं है। तो पालकिया बोल कंजर्व फायर सूट यूजर के लिए एब्सोल अगर आप बना रहे हो उसे तब, और रॉक जैगर और बारहसिंगा, बस यही पोकेमॉन्स हैं जो इवेंट में आप ले सकते हो, इवेंट लंबा चलेगा आप आराम से सेव कर सकते हो। इसके बाद एक और आपको पोकेमॉन एक्सचेंज दिखने को मिलेगा जो संडे रात 9:30 बजे तक आएगा, और उसमें आपको बहुत अच्छे पोकेमॉन दिखने के चांसेस होंगे क्योंकि इस बार थोड़े घटिया दिए गए, हालांकि पालकिया अच्छा पोकेमॉन दिया गया है,
पर फिर भी सारे सूट्स के लिए तो अच्छे पोकेमोन ही है ना, कुछ सूट्स के लिए तो यहाँ पर अच्छे पोकेमोन दिखे भी नहीं मेरे को, तो वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मे भी आगे अच्छा हमें पोकेमोन दिख जाए। ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे VIP वाले में अभी तक मेरे पास 60 प्लस हो चुके हैं, 60 नहीं 70 के प्लस हो चुके हैं, और VIP 0 में तो 100 के ऊपर है क्योंकि मैंने बहुत पहले सेव किया था। और हालांकि हमारे जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बावजूद हमारे पास 67 बचे थे इवेंट आइटम्स, जो लकीली बच गए थे, पता नहीं कैसे बच गए थे पर वो बच गए थे, और वो शायद मैं यहाँ पर काम उसका ले पाऊँ, कुछ अच्छा ले पाऊँ यहाँ पर। तो बस होप करते हैं कुछ अच्छा पोकेमॉन हमें मिले, कुछ कटे ना हमारे, मतलब एटलीस्ट कोई भी अच्छा पोकेमॉन इधर, मेरे को कोई भी अच्छा एक हार्ड सूट का मेगा पोकेमॉन मिल जाते तो काफ़ी होगा, स्नोरलैक्स भी हो तो काफ़ी चल जाएगा, मतलब मेरे को सेव नहीं करना इवेंट आइटम्स, मेरे को जैसे भी कोई ना कोई पोकेमॉन्स ले लेने हैं, तो जो भी आएगा इवोल्यूशन स्टोन्स वो जो भी हो सके मैं ले लूँगा। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।